जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सरकार की तरफ से एक नया वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और अब जो है इस नई वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हाँ पे होने वाला है जो पुराना वाला वेबसाइट था उसमें बहुत सारा पे परेशानी हो रहा था इसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक नया जो पोर्टल है उसको पे लॉन्च किया गया है तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो पोर्टल है उसको पे लॉन्च किया गया है साथ में इस पोर्टल का जो आई पासवर्ड है वो आप लोग को किस तरीके से क्रिएट करना है किस तरीके से अपना जो आई पासवर्ड है वो आपको प्राप्त करना है और कौन कौन से लोग

यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि द पोर्टल ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इवेंट डेट ओकर इन स्टेट यहाँ पे जो, जो है फिलहाल आप लोग का जो स्टेट है यहाँ पे दिया हुआ है इन सभी स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पे शुरू किया गया है अब सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको सीधे अपने गूगल में जाना है गूगल में जाकर आप लोग को लिखना है वाई मान लीजिए अगर आप अपने फोन में कर रहे हैं तो फोन में एक क्रोम होता है क्रोम आप लोग यहाँ पे ओपन कीजिएगा और वहां पे लिखेगा वाईटीडीसी और जो सबसे पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखकर जो सर्च कर सकते हैं नहीं तो नीचे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना का ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट अपडेट या फिर सरकारी योजना में बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन न्यू पोर्टल का यहाँ पे ऑप्शन है इस पर आपको जो क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पर आ सकते हैं फिर आप लोग को नीचे आना है मैंने जो पूरा जानकारी यहाँ पे दे रखा है आपको सबसे नीचे है सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक ऑप्शन है और ऑनलाइन अप्लाई न्यू पोर्टल का लिंक है क्लिकर पे क्लिक क्लिक कीजिएगा तो ये जो पोर्टल है वो आप लोग पे ओपन हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो रहा है अब इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप लोग नया जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पे बना सकते हैं कि मान लीजिए किसी का पे जो जन्म है वो इक्कीस दिन पहले यहाँ पे हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यानी कि इक्कीस दिन का आप लोग का समय दिया गया है उसके बीच में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर मान लीजिए इक्कीस दिन से ज्यादा हो जाता है मान लीजिए आपका उम्र दो साल चार साल या फिर दस साल

आप लोग का आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग का चौथा स्टेप आएगा और फिर आप लोग का लास्ट जो है पांचवा स्टेप आप लोग पे कंप्लीट करना है आपका जो अकाउंट है वहां पर क्रिएट हो जाएगा अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लोग पे इन करना है तो लॉग पे आप क्लिक कीजिएगा जनरल पब्लिक का जो ऑप्शन है उस पर आप लोग को जो है क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को लॉग करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप लोग लॉग इन करना है इस पोर्टल का जो उपयोग है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप लोग आई डी पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा है कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है बस अगर आप लोग का मान लीजिए इक्कीस दिन से ज्यादा का उम्र होता है तो उसके लिए आप लोग